हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनिधि एक बहुत ही समझदार और गुणी लड़की थी। वो अपने पति कुंदन, सास कमला और ससुर किशोर के साथ रहती थी। शाम के 8 बजे होते हैं। जनता कर्फ्यू के कारण घर में बंद सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि 21 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। ये सुनते ही घर के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अरे माँ जी, ये सब क्या हो गया? अरे मोरी मैया, ये का हुई गवा? अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आप सब इतनी चिंता मत करो माँ जी, इतनी सेविंग्स हैं कि 21 दिन आराम से बीत जाएंगे और मैं घर बैठकर भी अपना ऑफिस का काम कर सकता हूँ। किसी तरह 21 दिन गुजर जाते हैं, पर उसी शाम अचानक सभी को पता चलता है कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया है। काम में मंदी के चलते कुंदन को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। घर का आर्थिक ढांचा टूट के बिखर जाता है और इन सब के बीच सुनिधि प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो ये बात सब घर वालों को बताती है तो इस मुश्किल दौर में सभी के बीच एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सुनिए जी, देखिए ना, क्या वक्त आ गया है। एक तरफ घर की हालत इतनी खराब हो रही है और दूसरी तरफ इतनी खुशियों का माहौल है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, देखना ये बच्चा हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो क्या बात है। क्यों ना हम सब मिलकर एक ढाबा खोल लें। अरे ये कैसी बात कर रही हो, इस हालात में तुम काम करोगी? अरे नहीं नहीं बाबा, मैं कुछ और काम ढूंढ लूंगा। इस वक्त तो सब कुछ बंद है। पर फिर भी लोग तुम्हें इस हालत में काम करता देख क्या कहेंगे। सुनिधि अपना एक ढाबा खोल लेती है। उसकी सास कमला भी उसका इसमें बराबर साथ देना शुरू कर देती है। बाजार से सब्जियां लाना, सब लाना कुंदन की जिम्मेवारी थी। एक शाम बाजार से घर आते हुए कुंदन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते डॉक्टर उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहते हैं। ऐसे में अब घर की सारी जिम्मेवारी सुनिधि के कंधों पर आ जाती है। प्रेगनेंसी का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। ढाबे का काम अच्छा चलने लगता है। अभी बहू, टेबल नंबर 4 पे तड़के वाली दाल पहुंचा दे, जल्दी कर। हाँ जी माँ जी, ये लीजिए सर आपकी दाल। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। कमला और सुनिधि मिलकर खूब अच्छे से ढाबा संभाल लेते हैं। साथ ही साथ सुनिधि अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही एक शाम, माँ जी, बड़े भैया का फोन आया था। वो कह रहे थे कि वो और दीदी घर वापस आ रहे हैं। क्या सच कह रही है? बहुत ही खुशी की बात है। अगले दिन कुंदन का बड़ा भाई धर्मेश घर आता है। अरे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। मुझे भी माँ। वैसे आप मुझे अपना ढाबा तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि सुनिधि की मेहनत कितना रंग लाई है। सुनिधि का ढाबा देखकर धर्मेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ जनता का इतना रश होता है कि लोग एडवांस में उसके खाने की बुकिंग कर रहे होते हैं। दोनों पति पत्नी उसकी इस कामयाबी को अपने नाम करने की कोशिश करने की साजिश करने लगते हैं। धर्मेश मन ही मन सोचता है, अगर मैं यह सब कुछ अपने नाम कर लूं, तो चाइनीज फूड का बिजनेस हो जाएगा, फिर बंदे बंदाए ग्राहक भी मिल जाएंगे और फिर फायदा ही फायदा होगा। एक दिन ढाबे को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करने की स्कीम लेकर धर्मेश सुनिधि के पास जाता है। अरे सुनिधि सुनो, मैं तुम्हारे ढाबे को होटल में बदलने के लिए एक बहुत ही मजेदार और जबरदस्त प्लान लाया हूँ। नहीं नहीं भैया, हम तो इसी में बहुत खुश हैं। अरे अपना ना सही तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। अच्छा चलिए ठीक है, बता दीजिए। मेरे पास एक बना बनाया रेस्टोरेंट है, आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ
बस थोड़ा रंग रोगन हो रहा है, वह पूरा होते ही आप लोग वहाँ चले जाना। पर भैया, वो रेस्टोरेंट तो आपका है, हम वहाँ काम कैसे कर सकते हैं? अरे सुनिधि, क्या अपना और क्या पराया, सब मोह माया है। लो अब बस जल्दी से साइन कर दो। कुछ वक्त बीत जाता है और एक दिन धर्मेश अपने साथ हाथ में लठ लिए कुछ लोगों के साथ ढाबे में आता है और तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। अरे हटाओ ये सब यहाँ से, अब यहाँ देसी नहीं बल्कि चाइनीज फूड बनेगा भाई। ये आप क्या कर रहे हो, ये हमारी जगह है। ये जगह तुम्हारी है नहीं बल्कि थी बेवकूफो, बिना पढ़े ही साइन कर दिए। लो जरा ध्यान से पढ़ लो इसे एक बार। सुनिधि उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ती है। जैसे ही वो पेपर्स को पढ़ती है उसके तो मानो होश ही उड़ जाती है। वो सबके सामने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। भैया, ये सब करते हुए आपको जरा से भी शर्म नहीं आई? आपको क्या लगा कि अपना बना बनाया रेस्टोरेंट आपके नाम कर दूंगा? अरे वो तो मेरी एक चाल थी इसको अपने नाम कराने की। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये हमारा रोजगार है। अरे निकलो यहाँ से, समझी? घर के सभी लोग इस बात को सुनकर डिप्रेशन में आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनिधि की प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू हो जाता है। उसे अपने परिवार को इस तरह टूटकर बिखरते हुए देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में अपने ढाबे को दोबारा हासिल करने का पक्का निश्चय कर लेती है और इस इरादे के साथ वो धर्मेश के पास जाती है। अरे सुनिधि, तुम यहाँ क्या करने आई हो, क्या दोबारा से अपनी बेइज्जती कराने का इरादा है? अरे नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि आखिर कब तक ऐसे गरीबी में दिन बिताती रहूंगी, अब मैं भी खुलकर आराम से जीना चाहती हूँ, इसीलिए आपके पास एक ऑफर लेकर आई हूँ। अरे भाई कैसा ऑफर? पापा जी की एक FD के पेपर हाथ लगे हैं मेरे, अगर आप मुझे बता दे कि उस पर उनके धोखे से साइन कैसे लूँ, तो आधे पैसे आपके और आधे मेरे। अरे इतनी सी बात, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बेवकूफ हो, पर तुम तो काफी चालाक हो। धर्मेश उसे सारी बात बता देता है। सुनिधि ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर धर्मेश के तो मानो तोते ही उड़ जाते हैं। भाई गिरफ्तार कर इसने, घना बदमाश बनने लग रहा है। अरे मैंने क्या किया है भाई, अरे मैंने क्या किया है? अरे बेटा जी, जो भी तुमने किया है ना, हमने सब सुन लिया, समझा? कैसे तुमने धोखे से सुनिधि जी के साइन करा लिए और ढाबा भी तुमने अपने ही नाम करा लिया है? मैंने कुछ नहीं किया है, सच में यह सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। पुलिस धर्मेश को पकड़ कर ले जाती है और उसे धोखाधड़ी और गर्भवती महिला पर हाथ उठाने के जुर्म में अंदर कर देती है। इस तरह सुनिधि बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपना ढाबा वापस ले लेती है और एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। कुंदन भी अब ठीक हो जाता है और ढाबे का सारा काम वापस से संभालने लगता है। इस तरह गर्भवती होने और इतनी मुसीबतों के आने पर भी सुनिधि हार नहीं मानती और सब अच्छा कर देती है। मनोज अपनी माँ मीना और पिता केशु के साथ कचरौली गांव में रहता था। वो अच्छे पैसे कमाने के लिए गांव से बाहर शहर में काम किया करता था, जहां उसकी मुलाकात रीमा नाम की एक लड़की से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, जल्द ही ये दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मनोज रीमा को अपनी पत्नी बनाकर गांव ले आता है। गांव के आसपास के लोग शहरी बहू को देखने मनोज के घर आते हैं। अरे वाह मनोज बिटवा, का हो शहर से बहुरिया लाए हो, सुने राजकुमारी जैसी दिखत है। सुंदरता में तो कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारी बहू का मीना। शहर से जो आई है मेरी बहू, पूरे BA तक पढ़ाई की है। हाँ सिर्फ चेहरा ही खूबसूरत है या काम भी कर लेती है घर का,
अपनी पड़ोसन की ऐसी बातें सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है। मैं बताऊं, मेरी बहू सारे कामों में एक नंबर की है। खाना तो इतना स्वाद बनाती है कि अभी जुबान पे ही चढ़ा है। अरे अरे मम्मी, अरे अरे बस करो। अरे तू चुप बैठ। अरे ऐसी बात है तो कभी बुलाओ खाने पे, तब पता चले हम भी खा लेंगे सहेरी लोगन जैसा खाना। मीना सबके सामने बिना पूछे ही अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मीना ये सब सोचकर हिचकिचा ही रही थी कि उसने इतनी बड़ी बातें तो बोल दी, लेकिन उसने तो बहू से पूछा ही नहीं। अरे रीमा बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता तो है ना, सारी पड़ोसनों के सामने नाक कट जाएगी। अरे मम्मी, आपने ही इतनी तारीफ कर दी अपने आप, वो भी बिना जाने कि रीमा को खाना बनाने आता है या नहीं। अरे बेटा, वो सरला भी अपनी बहू की ऐसे ही तारीफ करती थी, तो मैं पीछे क्यों हटूं? हाँ। अरे मम्मी, आप कब समझोगे यार। माँ, मनोज जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सबको संभाल लूंगी। मीना अपने कमरे में परेशान होकर इधर से उधर घूम रही होती है। बिना जाने मैंने बहू की इतनी तारीफ तो कर दी, पर पता नहीं बहू को खाना बनाना आता भी है या नहीं। तभी रीना अपनी सास मीना के पास उसके कमरे में आती है, जिसे देख वो झट से बोलती है, अरे बहू सुनो तो, बड़ी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा किचन महक रहा है, बताओ तो सही क्या बना रही हो। माँ जी, वो मैं मंचूरियन बना रही थी। बहुत अच्छा बहू, बनाओ बनाओ, कुछ सामान की जरूरत हो तो बता देना। हाँ जी माँ जी, वो मुझे धनिया नहीं मिल रहा था। धनिया तो अभी सरला के घर से मांग कर ले आती हूँ। हाँ। रीना वापस से किचन में काम करने चली जाती है, और उसके वहाँ से जाने के बाद मीना सोचती है, क्या बोल गई, ये मंचूरियन है, ये कौन से खाने की चीज होती है, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना, अगर खराब बनाया तो गांव की औरतों को क्या ही पता चलेगा, बोल देंगे शहर का खाना है। सोचते ही सोचते मीना अपनी पड़ोसन सरला के यहाँ धनिया मांगने पहुँच जाती है। ओ सरला, क्या हुआ मीना? अरे थोड़ा धनिया चाहिए, मेरी बहू आज शहर वाला खाना जो बना रही है, पता है क्या बना रही है? मन मन चूरन ऐसे ही कुछ। ये कौन सी चीज है भला खाने की, मैंने तो नाम नहीं सुना इसका आज तक। जब मेरे घर आओगी ना बहू का खाना खाने, तो समझ आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। अरे बाकी बातें बाद में, पहले थोड़ा धनिया तो दे दे। हाँ। सरला से धनिया लेने के बाद मीना वहाँ से चली जाती है, और तभी वहाँ दूसरी पड़ोसन नीलू आ जाती है और कहती है, ये मीना काफी तारीफ करती है अपनी बहू की, आज रात देखा ही जाए कि कैसा खाना बनाती है कि सहेरी बहुरिया। धीरे धीरे शाम हो जाती है, और ढलते वक्त के साथ मीना की हालात सोच सोच कर और भी ज्यादा खराब होने लगती है। सबके सामने अपनी बहू की इतनी तारीफ तो कर दी, लेकिन क्या बहू जो बना रही है उसका अभी तक पता नहीं। परेशान होकर मीना रसोई घर के बाहर खड़ी हो जाती है, और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर खाने में क्या बन रहा है। काफी देर खड़े होने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता, तभी वहाँ उसका बेटा मनोज आ जाता है। मम्मी आप चिंता मत करो, रीमा एक जिम्मेदार लड़की है, वो सब संभाल लेगी। हाँ माँ जी, आप आराम से बैठिए। बहू आज बस लाज रख लेना मेरी, वरना नाक कट जाएगी सबके सामने। हाँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तभी वहाँ सरला और नीलू आ जाते हैं। अरे मीना, ओ मीना कहाँ हो? हाँ हाँ आ गई, बस
तभी वहाँ हाथों में शरबत का ग्लास लिए रीमा आती है। लो लो ये लो, सब लोग शरबत पियो। वाह वाह मीना, शरबत तो बहुत ही अच्छा है। अब तो हमारी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। चलो शरबत तो अच्छा बना है, बस ऐसे ही खाना भी सबको पसंद आ जाए तो मेरी इज्जत सबके सामने और भी बढ़ जाएगी। हाँ, रुतबा होगा मेरा। तभी किचन से धुआं आने लगता है, जिसे देखकर रीमा भागकर किचन में जाती है। नीलू और सरला धुआं देखकर आपस में बात करने लगती हैं। कहाँ हो मीना, इतना धुआं उठ रहा है, का जला हुआ खाना खिलाओगी हमका? हाँ हाँ, लगता तो यही है। देखो तो तुम्हारे किचन में से कितना धुआं आ रहा है। लगता है शहरी बहू ने पहली बार में ही खाना जला दिया सारा। मीना को नीलू और सरला की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। नहीं नहीं, अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, खाना जला नहीं सकती सच में। तो ये धुआं किस चीज का था इतना सारा? खाना रेडी है, सब लोग जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। हम लोग यहाँ जला खाना खाने नहीं आए हैं, पहले बता दे रहे हैं। हाँ, मैंने भी भरपेट खाना नहीं खाया दोपहर में। जब तुम्हें अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे पहले बता देती, कम से कम सबके सामने मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। मम्मी, आपने रीमा को बोलने का मौका ही कहाँ दिया था। अरे अरे रुकिए, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कौन सा खाना जल गया? अरे मैं तो स्मोकी राइस बना रही थी आप लोगों के लिए। देखा तुमने, मेरी बहू ने खाना नहीं जलाया, मैंने बताया था ना, ये धुआं कोई नया तरीका है, समझ में आया? ये स्मोकी राइस है? ये क्या होता है? हाँ जी आंटी जी, ये चावल बनाने का एक नया तरीका है, आप लोग एक बार खा के तो देखिए। रीमा सबको खाना लाकर देती है, सबको खाना बहुत पसंद आता है। वाह बेटा, क्या बात है, इतना स्वादिष्ट खाना। आहा, बहू किसकी है, अच्छे लगे समोकी राइस। इस तरह मीना की बहू रीना सबके सामने अपनी सास का सर फक्र से ऊंचा कर देती है। साथ ही उसकी सास को इस बात का भी एहसास होता है कि बिना जाने कभी भी किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि झूठी प्रशंसा से अपमान बढ़िया होता है। साथ ही हमारी शहरी बहू रीना अपने खाने और अपनेपन से सबका दिल जीत लेती है। दीप्ति गरीब परिवार में रहने वाली समझदार, स्वाभिमानी और मेहनती लड़की थी। वो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में बतौर सफाई कर्मचारी काम करती थी। उसके काम को लेकर अक्सर लोग उसे घृणा की नजरों से देखा करते थे, यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस के लोग भी उससे दूरियां बनाकर रखते थे, जैसे वो कोई अछूत हो। लोगों का ये व्यवहार दीप्ति के मन को बहुत चुभता था, पर वो इसे नजरअंदाज कर अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करती थी। ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल में, ये दीप्ति, आयो दीप्ति, ये पेशेंट नंबर 11 की बेडशीट और वार्ड नंबर 10 को क्लीन कर दो, वो भी फटाफट। जी मैम, बस आ गई। दीप्ति वार्ड नंबर 10 में हाथ में पोछे की बाल्टी लिए पहुंचती है कि अचानक उसका पैर फ्लोर पर पड़े केले के छिलके पे पड़ जाता है और वो फिसल कर धड़ाम से गिर जाती है और बाल्टी उड़ते हुए एक पेशेंट सुजाता के मुंह पर अटक जाती है और सारा गंदा पानी उसके ड्रेस पर गिर जाता है और कोई उसकी मदद को नहीं आता। दीप्ति उसके सर से बाल्टी उठाती है। माता जी मुझे माफ कर देना, गलती हो गई। आए, अरे सर फोड़ दिया मेरा, छी छी। अरे माता जी गुस्सा मत होइए, पता नहीं कैसे उस छिलके पर पैर पड़ गया और ये हादसा हो गया। अरे तुम जैसे लोगों को
मुझे अच्छे से सबक सिखाना आता है। इतनी बदबू, अरे बुलाओ डॉक्टर को, इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। मुझ पे पोछे का पानी गिराया। अयो अयो अम्मा, गलती से हो गया, माफ कर दो ना इसको। ची ची, आए हाय, सफाई वाली ने छुआ कैसे मुझे। हे भगवान, पूरा पवित्र कर दिया मुझे। हाय पापन, दूर हट। माता जी कैसी बातें कर रही है, आखिर हम भी इंसान है, हमारी भी कोई इज्जत होती है। हाय इन जैसों की इज्जत, मुझे लेक्चर देगी। थक। सुजाता दीप्ति की कंप्लेंट कर देती है, जिसके कारण उसे मैटरनिटी हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। दिन बीतते जाते हैं, दीप्ति का घर आर्थिक संकट से जूझने लगता है। अपने परिवार को इस मुसीबत से निकालने के लिए दीप्ति रोड पे झाड़ू लगाने, कूड़ा उठाने और नाली साफ करने का काम करने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन बहुत ज्यादा कोहरा होता है, पर फिर भी वो अपना साफ सफाई का काम कर रही होती है। तभी एक बाइक सवार उसे टक्कर मार देता है, जिसमें उसे हल्की चोट भी आ जाती है। अरे भैया, आंखें खराब हैं क्या आपकी? अरे हद करते हैं, इतनी बड़ी लड़की नजर नहीं आती। माफ करना मोहधर्मा, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? दिख नहीं रहा आपको। ओह कितनी ज्यादा लग गई, चलिए पास में ही क्लिनिक है। जी इतनी भी नहीं लगी, ठीक हूँ मैं। तभी आसपास मौजूद कुछ लोग दीप्ति को नीचा दिखाने के लिए उस पर ताने कसने लग जाते हैं। हाय छी छी, नाली साफ करने वाली लड़की को छू दिया। छी छी, कैसा लड़का है ये? देखो यूँ उदास देख रोहन को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें करारा जवाब देने लगता है। अरे इनसे घिन करते हो, जो हमें स्वच्छ वातावरण दे रहे हैं, हमें तो इनका सम्मान करना चाहिए, पर आप जैसे गंदी सोच रखने वालों को क्या ही कह सकते हैं। काश आपके दिमाग से भी इस भेदभाव की गंदगी को साफ करने का कोई भी तरीका होता। रोहन की बातें सुन लोगों के मुंह पर ताले लग जाते हैं और सर शर्म से झुक जाता है। इस तरह रोहन की बातें दीप्ति के मन को भी भा जाती हैं। वहीं रोहन उसके काम की प्रशंसा कर वहां से चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं, दीप्ति की एक दूसरे हॉस्पिटल में नौकरी लग जाती है। ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल में पोछा लगाते लगाते उसे चक्कर आने लगते हैं और वो पास में ही खड़ी नर्स मधुरिमा अय्यर को पकड़ लेती है। अयो काई सही से तेपते झाड़ू लगाने वाले तुमने मुझको टच किया। आए हाय, दो रटो, जल्दी दो रटो। दीदी वो चक्कर आ गया था, माफ कर दीजिएगा, अब नहीं होगा। तुझसे कितनी बार कहा है, दूर आ कर मुझसे। छी छी, दोबारा मेरा इर्द गिर्द नजर मत आना, गंदे लोग। नर्स के इस व्यवहार से दीप्ति की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं और अपने हॉस्पिटल में हो रहे इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को देख नर्स को खरी खरी सुनाते हैं। नर्स, ये क्या तरीका है बात करने का, अभी के अभी माफी मांगिए दीप्ति जी से। अयो सर, पर ये तो एक मामूली सा सफाई वाले है, इसके लिए आप मुझसे बोल रहे हैं? मैं को छुआ कैसे, मेरे को ऐसे लोगों से बहुत घृणा आता। और मुझे तुम्हारी सोच से, ये तो वॉरियर है हमारे हॉस्पिटल के, इनकी वजह से हम सब आज स्वस्थ हैं। अगर ये स्वच्छता का ध्यान ना रखे तो हम ना जाने कितनी बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। अगर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल मत कीजिए। एंड लिसन, दिस इज माई लास्ट वार्निंग फॉर यू। ओके ओके सर, मैं सब समझ गया, दोबारा ये नहीं होगा। सारे दीप्ति। समय बीतता जाता है, एक भयंकर वायरस शहर में दस्तक देता है जो एक महामारी का रूप ले लेता है, जिसके कारण सभी लोग अपने घरों में कैद हो जाती हैं। हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद बढ़ने लगती है।
ऐसे में इस वायरस की चपेट में बहुत से स्वास्थ्य कर्मी भी आ जाते हैं। नर्स मधुरिमा अय्यर भी इस महामारी की चपेट में आ जाती है। उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। कोई भी उसके आसपास नहीं आता। अयो मेरा राम कृष्ण मुर्गन, कोई तो कुछ करो। ए भगवान, कितना दर्द हो रहा है मुझे। आए, इतना गंदा हो गया। अरे रुकिए, मैं आती हूँ। दीदी चिंता मत करो, आप बस पीछे लेट जाइए। अयो मुर्गन, हम कितना गलत था जी। तुम तो मेरा इस महामारी में भी साथ दे रही हो। जब अपना भी दूर हो गया, कितना बड़ा भगवान जैसा है तुम। सच्ची? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, बस आप चुपचाप आराम कीजिए। होता है जिंदगी में कभी कभी ऐसे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ रोहन इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी माँ सुजाता के साथ आ जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि उसकी माँ और उसे भी महामारी हो गई है। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उन्हें क्वारंटाइन कर देते हैं। सभी उनसे अछूतों जैसा व्यवहार करते, लेकिन दीप्ति उनका खूब ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं। रोहन को दीप्ति से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। ऐसे ही एक दिन बीच रोड पर हाथों में गुलाब लिए रोहन उसे प्रपोज कर देता है। सुनिए दीप्ति जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जी जी, मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन क्या आपकी माँ एक सफाई वाले को बहू मानेंगी? बोलो। आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूंगा। रोहन अपनी माँ को शादी के लिए मना लेता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही सरकार दीप्ति को स्वच्छता वॉरियर के नाम से सम्मानित करती है। अमिता एक समझदार और गुणी लड़की थी। उसके पिता हरिया का गुड़ बनाने का कारोबार था। शुभम नाम का बेहद ही मेहनती पर अनाथ लड़का था, जो हरिया का बहुत सम्मान करता था। शुभम के स्वभाव को देखते हुए हरिया अपनी बेटी अमिता की शादी उससे करवा देता है। शुभम को अमिता जरा भी पसंद नहीं थी, पर वो हरिया की बात कैसे टालता। मजबूरन वो किसी तरह इस रिश्ते को निभा रहा था। एक दिन अमिता के पिता की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वहीं उसका पति बेरोजगार हो घर बैठ जाता है। ऐसे में अमिता शुभम से कहती है, जी सुनिए, घर के हालात खराब होते जा रहे हैं, आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? मैं क्या करूं, वैसे भी नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं मैं। जी वो मैं कह रही थी, क्यों ना हम अपना ही कोई कारोबार खोल लें। पागल हो गई हो क्या? पता भी है नया कारोबार खोलने में कितनी रकम लगती है? मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? अरे ये मेरे गहने कब काम आएंगे, आप इनको ले जाइए और जाकर गन्ने ले आइए। अच्छा तो ले आऊंगा, पर इससे करेंगे क्या? अजी गुड़ बनाने का कारोबार करेंगे। अच्छा ठीक है, इतना कह रही हो तो कर लेते हैं। वैसे गुड़ बनाएगा कौन, तुम बना लोगी? हाँ मुझे बाबा ने सब सिखाया है, पर वो मुझे काम नहीं करने देते थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। अगली सुबह ही अमिता सुबह 4 बजे से उठकर गुड़ बनाना शुरू कर देती है। तैयार गुड़ शुभम बाजार में बेचने जाता। उसके गुड़ की बाजार में काफी मांग होने लगती है और सभी उससे ही गुड़ खरीदते हैं। देखते ही देखते वो अमीर बन जाता है, पर जिसकी वजह से उसे ये अमीरी का स्वाद चखने को मिला, यानी उसकी बीवी अमिता, वो उसका तिरस्कार करना शुरू कर देता है और सीमा नाम की एक लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। अमिता सुनो, कहाँ हो तुम? अरे मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, कहाँ हो? जी हाँ कहिए, क्या बात है और आप इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो? हे भगवान, फेविकोल की तरह चिपक गई है मुझसे, इतनी चेप क्यों हो रही हो तुम मेरे? चुपचाप इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी आपके बिना सच में। तुम जियो या मरो, उससे मुझे क्या।
लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे एक लड़की से प्यार है और मैं उसी के साथ रहूंगा। वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर रोती बिलकती एक सुनसान सड़क के बीचों बीच चलती जाती है। तभी अचानक से एक गाड़ी सामने से आ रही होती है। गाड़ी में सवार दीपक उसे बीच रास्ते में देख ब्रेक मारकर उसे बचा लेता है और उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या हुआ आपको? रोक क्यों दी गाड़ी, मर जाने देते ना मुझे, चढ़ा देते मेरे ऊपर गाड़ी। अरे 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 बाप रे बाप, क्या हुआ है आपको? आप इतना रो क्यों रही हैं? एक काम कीजिए, गहरी सांस लीजिए और चुप होकर बताइए मुझे कि आखिर बात क्या है। क्या बताऊँ, ये कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और औरत के पल्लू से लटक कर घूम रहा है और मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं अब मर जाना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। देखिए मैडम जी, ऐसी नेगेटिव बातें मत करिए, बी पॉजिटिव। देखिए मैं भी कभी आप ही की तरह डिप्रेशन में था, पर आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मेरा गुड़ का कारोबार है। जी क्या कहा आपने? वैसे आपको पता है कि मुझे भी गुड़ बनाना आता है और मेरे हाथों का गुड़ लोगों को बहुत पसंद आता है। इस तरह दीपक जीवन की आशा त्याग चुकी अमिता को रोशनी की एक किरण दिखाता है। वो उसके साथ गाड़ी में बैठ चली जाती है और उसके साथ रहकर वो गुड़ का काम शुरू करती है। उसके हाथों का बना गुड़ लोगों को बहुत पसंद आने लग जाता है। थोड़े ही दिनों बाद दीपक का कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। धीरे धीरे उसे अमिता से प्यार होने लगता है और दीपक उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। सुनो अमिता, आई लव यू। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कभी नहीं हो सकता। पहले ही एक बार शादी कर मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। देखो देखो, वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था और जरूरी नहीं हर इंसान एक जैसा हो। और हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। दीपक की बातें सुनकर अमिता के दिल में भी प्यार की फुलझड़ियां जलने लगती हैं और वो उसे हाँ कह देती है। कुछ समय बाद ही वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना घर बसा लेते हैं। तो वही दूसरी तरफ शुभम सीमा से शादी कर लेता है और उसे गुड़ बनाना भी सिखा देता है, लेकिन फिर भी उसका गुड़ उतना अच्छा नहीं बन पाता, जिसके कारण बाजार में उसके गुड़ की मांग कम होती जाती है। लोग उसे ताने दे देकर जाने लगते हैं। मक्खियों के अलावा उसके गुड़ के पास एक ग्राहक नहीं होता, जिसके कारण शुभम का पारा हाई हो जाता है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? यहाँ गुड़ जल रहा है और तुम लाली पाउडर लगाने में लगी हो, जल्दी आओ। ओहो, गुड़ क्या, दुनिया भर के लोग जलते हैं मुझसे। अरे तुम्हारे लिए ही तो तैयार हो रही थी ना जानू। अरे यार, तेरे ड्रामे खत्म होंगे कभी? ये क्या किया तूने पता भी है? सारा गुड़ खराब कर दिया। वैसे भी तुझे इतना अच्छा गुड़ बनाना नहीं आता, ऊपर से मेरे पैसों को मिट्टी में मिला रही है। क्या हो गया फिर, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा तो अब जुबान भी लड़ानी आ गई है, पूछती है क्या हुआ? अब पूछ, चिल्ला रही है, ले अब पूछ ना। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी मजाल, अब देखो मैं क्या करती हूँ। लगता है अभी तेरा पेट भरा नहीं है पिट पिट कर। रुक, अभी खुराक देता हूँ तुझे, ले। बोलेगी, ले, वो बोलेगी, बोल। शुभम अपना आपा खो बैठता है और उससे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। वहीं सीमा उससे बदला लेने के लिए इस बार गुड़ में जमाल घोटा मिला देती है, जिसके कारण उसका सारा कारोबार ठप पड़ जाता है। लोग उसे मार मार के बाजार से निकाल देते हैं। बेरोजगार शुभम काम की तलाश में एक दिन उसी गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में जाता है जो दीपक की थी। तभी उसे वहाँ अमिता नजर आती है। वो भागकर उसके पास जाता है और कहता है, अमिता अमिता सुनो, तुम यहाँ कैसे, क्या लेने आए हो? मैं तो यहाँ काम ढूंढने आया था,
लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये मेरे पति की फैक्ट्री है और मैं यहाँ के कारीगरों पर नजर रखती हूँ ताकि किसी चीज की कमी ना हो। क्या तुम इस फैक्ट्री की मालकिन हो? हाँ, और तुम चले जाओ यहाँ से क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई नौकरी नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज। कभी भी नहीं, मैं तुम्हारी ये घिनौनी शक्ल बिल्कुल नहीं देख सकती अपनी आंखों के सामने। चले जाओ यहाँ से। अमिता उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। पछतावा लिए शुभम घर पहुँचता है जहाँ उसकी पत्नी सीमा पुलिस को बुलाए खड़ी रहती है। शुभम उन्हें वहाँ देख दंग रह जाता है। इस तरह सीमा अपने साथ हुए डोमेस्टिक वायलेंस का बदला ले लेती है और शुभम को उसके किए की सजा मिल जाती है। अदालत उसे 10 साल की सजा सुना देता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, पर अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सब उसके हाथ से निकल चुका था। और वही दूसरी ओर अमिता अपने पति दीपक के साथ ऐशो आराम से जिंदगी बिताती है, उसके कारोबार को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह हमारी गुड़ बनाने वाली बहू ने अपनी जिंदगी को निराशा से आशा में तब्दील कर दिया। क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।